हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मोनिका सिंबरियाल में। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ, अच्छे, कुशल, मंगल, मौज में होंगे। और आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज भिंडी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे। लौंग, काले मिर्च, इनको अच्छे से मैंने कूट लिया है और यहाँ पर डाला है सरसों का तेल गर्म होते ही, जीरा, सौंफ, एक छोटी इलायची और जो हमने लौंग और काली मिर्च को कूटा था वो डाला है, एक दालचीनी डाली है। इनको भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है प्याज। इसको अच्छे से आपने खोल देना है और फिर इसको मीडियम फ्लेम में आपको अच्छे से फ्राई करना है कि जब तक इसका रंग चेंज ना हो जाए, ये ब्राउन ना हो जाए, पिंकिश से आपको इसको ब्राउन तक आपको इसको भूनना है अच्छे से और मीडियम फ्लेम में। अब बीच बीच में चलाते रहना है कि आपकी जो ये सब्ज़ी है, जो ये मसाला है भिंडी के लिए, वो जले ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भिंडी को कभी भी ढक के नहीं पकाना है, वरना भिंडी जो है आपकी खिली खिली नहीं बनेगी, खड़ी सी नहीं बनेगी और सौगी बन जाएगी, वो चिपचिपाहट रह जाएगी उसमें। अगर आपको वैसी भिंडी पसंद है थोड़ी चिपचिपाहट से, गीली टाइप से, तो आप ढक के पका सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से भिंडी पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है, एक बार ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर यहीं पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी, जिसको कूट लिया है अच्छे से और डाल दिया है। और ये मैंने तब डाला है जब हमारे प्याज थोड़े थोड़े पिंक से, गुलाबी से हो चुके थे, तब मैंने यहाँ पर ये लहसुन और प्याज को ऐड किया है। और इसके बाद आपको मीडियम फ्लेम में इसको भूनते रहना है कि जब तक ये ब्राउन ना हो जाए अच्छे से। जलाना नहीं है, बस आपको ये ब्राउन करना है। और ये हमारी भिंडी थी जिसको मैंने डायमंड शेप में काटा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं, ज़्यादा गोल कट कर सकते हैं या थोड़े लंबे में कट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा प्याज भी बहुत अच्छे से भून चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहीं पे हमने सारी भिंडी ऐड कर लेनी है और मीडियम फ्लेम में बिना ढके आपको भिंडी को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चलाना है, इस तरीके से कि जो हमारा प्याज अच्छे से भुना है वो भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिल जाए। और यकीन मानिए सब्जी इतनी टेस्टी हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक बार ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। और आप किस तरीके से भिंडी को बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या मैं आपके साथ और क्या रेसिपी शेयर करूँ जो आप देखना चाहते हैं चैनल पे, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, अपने घर पर ट्राई कीजिएगा एक बार बना के और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए भिंडी को करीबन 1 से 2 मिनट बोल रही थी मैं आपको इसको भूनना है, बट मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून दिया है इसके साथ, प्याज के साथ। फिर यहीं पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए हमारी भिंडी कितनी खिली खिली सी है, कहीं से गीली नहीं है, चिपचिपाहट नहीं है और बहुत टेस्टी, बहुत लजीज बन के तैयार हो गई थी। मेरी तो फेवरेट है भिंडी। आप लोगों की कौन सी सब्ज़ी फेवरेट है? वैसे तो सारी सब्ज़ी हेल्दी होती है, कुछ ना कुछ सब में होता ही है हेल्दी, बट एक होता है ना कि इस सब्ज़ी को खा के मज़ा आ जाता है, तो मेरे को भिंडी कभी भी मिले तो मैं आराम से खा सकती हूँ, मुझे इतनी पसंद है भिंडी। आप लोगों को कौन सी सब्ज़ी पसंद है कॉमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए अच्छे से मसाले के साथ हमने भिंडी को भून लिया है कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएँ, कच्चापन हट जाए और भिंडी के साथ अच्छे से लग जाए। और ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मैंने इसको ढक के पकाया और बीच बीच में चला लिया कि नीचे ना लगे हमारी सब्ज़ी। और ये देखिए कितनी खिली खिली, कलर देखिए भिंडी का, प्याज देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जो मिर्च थी हमारी वो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो ये थी हमारी आज की प्याज भिंडी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर रेसिपी को शेयर कीजिएगा, अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बताइएगा कि वाकई में अच्छी बनी थी या नहीं बनी थी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियोस देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, मैं मिलूँगी नई रेसिपी में।